हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड दैट इज़ रिटन बाय निक मिडल्टन। दिस चैप्टर इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड का समरी और इंट्रोडक्शन जानेंगे। इसके राइटर है निक मिडल्टन। एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। द स्टोरी इज रिटन बाय निक मिडल्टन। इस स्टोरी के राइटर कौन है? निक मिडल्टन। दिस चैप्टर इज अबाउट द नरेटर्स जर्नी फ्रॉम स्लोप्स ऑफ रावा टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। एक्चुअली जो ये जो चैप्टर है सिल्क रोड, ये एक तरह से एक डिस्क्रिप्शन है उनके जर्नी का। निक मिडल्टन रावा से माउंट कैलाश की यात्रा कैसे करते हैं, उस यात्रा के दौरान उनको किस तरह की परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है, करना पड़ता है, और फिर वो कोरा कैसे कंप्लीट करते हैं। ये जो कोरा है ये एक ट्रेडिशनल रिचुअल्स है जो कि माउंट कैलाश में किया जाता है। कोरा मीन्स मतलब वहाँ की भाषा में, तिब्बतियन लैंग्वेज में कोरा बोलते हैं, हिंदी में इसको परिक्रमा बोलते हैं। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को 5 times परिक्रमा करते हैं, या कहीं 3 times करते हैं, या कभी 1 time भी करते हैं। तो किसी भी मंदिर को या होली प्लेस को, पवित्र जगह की परिक्रमा की जाती है। तो कैलाश जो पर्वत है वो काफ़ी पवित्र है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे शंकर जी का वो निवास स्थान है। और कैलाश पर्वत हिंदुइज्म में, जैनिज्म में और बौद्धिज्म में, तीनों धर्म में बहुत ही पवित्र है। और तीनों धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं, बौद्धिस्ट भी जाते हैं, उनके लिए भी बहुत पवित्र स्थल है। वो लोग भी वहाँ पे जाके कोरा करते हैं। कोरा मतलब कैलाश पर्वत की पूरी परिक्रमा। तो निक मिडल्टन है वो भी कैलाश पर्वत गए और वहाँ पे जा करके उन्होंने कोरा परफॉर्म किया। वहाँ पे कैलाश मानसरोवर का पूरा कैलाश पर्वत की परिक्रमा की उस। तो ये पूरे उनका ये एक तरह से जो सिल्क रोड है ये यात्रा वृतांत है। वो कैसे माउंट कैलाश जाते हैं और कैसे कोरा कंप्लीट करते हैं, किन लोगों की हेल्प लेते हैं, वो सब पूरा उन्होंने सिल्क रोड में लिखा है। सिल्क रोड एक्चुअली वो अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो सिल्क रोड एक तरह से एक रास्ता था व्यापार का जो कि चाइना से होके यूरोप जाता था। और ये जो रास्ता है माउंट कैलाश मानसरोवर से होते हुए हमारा जो भारत का जो क्षेत्र है लद्दाख, और फिर उसके बाद गिलगिस्तान, बालिस्तान और ये सब होते हुए वो सीधे उधर यूरोप में निकल जाता था। और इसका नाम सिल्क रोड इसलिए पड़ा था क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे चाइना में ही सबसे पहले सिल्क का उत्पादन शुरू हुआ था। चाइना में ही सिल्क कपड़ा बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो यूरोप के लोग चाइना से सिल्क खरीदते थे और वो सिल्क का जो कपड़ा है व्यापार होता था। एक्चुअली ये व्यापारिक रास्ता था, यूरोप और चाइना के बीच का व्यापारिक रास्ता था। चाइना से यूरोपीय लोग चाइना से सिल्क ले जाते थे और भी बहुत सारी चीज़ें ले जाते थे, और चाइनीज भी यूरोप से बहुत सारा सामान खरीद के ले जाते थे, मगर मैक्सिमम ज़्यादा सिल्क ही जाता था, इसलिए इस रोड का नाम सिल्क रखा था, सिल्क रोड नाम था। अदरवाइज सिर्फ सिल्क ही नहीं जाता था, बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन की चीज़ें, मसाले, बहुत सारी चीज़ें इस रास्ते से इन चीज़ों का व्यापार होता था। मगर मेन जो होता है ना, चीफ मेन व्यापारिक वस्तु सिल्क थी, इसलिए इसका नाम सिल्क रोड था उस रोड का। और उसी रोड के रास्ते से, उसी रोड से ये निक मिडल्टन कैलाश पहुंचते हैं, इसलिए इस यात्रा वृतांत का भी नाम सिल्क रोड रखा गया है। टू बिड हिम फेयरवेल लामो गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव सीप स्किन कोट। ये वहाँ पे एक जगह एक लामो से मिलते हैं जो उनको बाय बाय करता है, उनको विदाई करता है, और विदाई के रूप में उनको एक सीप स्किन का, भेड़ का बाल का बना हुआ कोट भी देता है, भेड़ के स्किन का। ही हायर्ड सेटन्स कार फॉर हिज जर्नी एंड टूक डेनियल अलोंग टू एस्कॉर्ट हिम टू डार्चन। डार्चन एक प्लेस है, वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है जर्नी कैलाश के लिए। तो डेनियल को अपने साथ लेते हैं डार्चन तक जाने के लिए, और एक कार हायर करते हैं, और कार का जो ड्राइवर होता है उसका नाम होता है सेटन। तो सेटन और डेनियल के साथ ये कैलाश के लिए निकल जाते हैं। समरी।
द राइटर वॉन्टेड टू गो टू माउंट कैलाश टू कम्प्लीट द कोरा। राइटर जो है निक मिडल्टन, वो कैलाश जाना चाहते हैं, कैलाश पर्वत, और वहाँ जा कर के क्या करना चाहते हैं, कोरा यानी कैलाश पर्वत की परिक्रमा। ही हायर्ड सेटन टू ड्राइव हिम अप टू माउंट कैलाश। सेटन जो एक तिब्बती ड्राइवर होता है, उसको वो हायर करते हैं ड्राइवर को, और एक कार लेते हैं, मतलब एक, और माउंट कैलाश के लिए निकल जाते हैं। रोड कौन सा, पाथ कौन सा यूज करते हैं, वो सिल्क रोड। एज अ फेयरवेल गिफ्ट लामो गिव हिम अ लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट। सेटन उनको एक लामो के घर लेके जाता है, जो कि उनको जब ये लोग जाने लगते हैं तो उनको भेड़ के स्किन का बना हुआ कोट गिफ्ट करती है। ही टुक डेनियल एज हिज कंपेनियन टिल डार्चन, और अपने कंपेनियन साथी के रूप में वो डेनियल को लेते हैं, जो कि उनका डार्चन तक उनका साथ देता है। When they started the journey, Saturn took a shortcut to the southwest, which was a direct route to Mount Kailash. जब ये लोग स्टार्ट करते हैं जर्नी, एक्चुअली चाइना उधर तिब्बत के थ्रू से ये लोग जाते हैं, चाइना और तिब्बत के थ्रू, उधर से भारत की तरफ से नहीं जा रहे हैं लोग, चाइना की तरफ से जा रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं। तो जब ये लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सेटन जो ड्राइवर है उसको रास्ता अच्छी तरह से पता है, तो एक शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी से कैलाश पहुंच जाए, उसके लिए एक शॉर्टकट लेता है। वो शॉर्टकट जो है रास्ता डायरेक्ट कैलाश तक पहुंचा देता है। दे हैड टू क्रॉस हाई माउंटेन पासेस टू रीच देयर डेस्टिनेशन, मगर ये शॉर्टकट काफ़ी खतरनाक था, उसके लिए काफ़ी ऊँचे ऊँचे माउंटेन उनको पार करना था। सेटन अस्योर्ड हिम दैट इट वुड बी नो प्रॉब्लम इफ देयर वुड बी नो स्नो, बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम, सेटन बोलता है उनको, उनको एक तरह से अश्योर करता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वहाँ पे स्नो नहीं होगा, रास्ते में अगर बर्फ नहीं होगी तो उन्हें कैलाश जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दे क्रॉस थ्रू फ्यू गैजल्स अ हॉर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस एंड सेफर्ड स्टैंडिंग द फॉक्स, वो जिस रास्ते से जाते हैं उसमें उनको कुछ गैजल्स, वो एक हिरण, बड़ा सा हिरण होता है, वो मिलते हैं, और जंगली गधे मिलते हैं, और कुछ गड़ेरिए मिलते हैं जो कि अपने भेड़ों को चरा रहे होते हैं, ये सब रास्ते में उनको मिलते हैं। When they reached the hill, they passed dark tents which were home for nomads. जब वो हिल पे पहुंचते हैं, चोटी पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे उनको गहरे रंग के टेंट्स मिलते हैं, टेंट्स यानी कपड़े के बने हुए घर मिलते हैं। ये घर किनके थे, ये नोमाड्स के थे। नोमाड्स यानी जो यायावर जातियाँ होती हैं, घुमंतु जातियाँ होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह, उनका कोई एक परमानेंट घर नहीं होता है, उनके कुछ फ्लॉक्स होते हैं, कुछ उनके कैटल्स होते हैं, कुछ उनके जानवर होते हैं, उनको लेकर के वो एक जगह से कुछ दिन, जैसे एक आध हफ्ता एक जगह रुक गए, दो हफ्ता एक जगह रुक गए, फिर उसके बाद फिर अपना टेंट उखाड़ेंगे, अपने जानवरों को लेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ पे उनके जानवर ग्रेजिंग करेंगे, घास चरेंगे, फिर वहाँ की घास ख़त्म हो जाएगी तो फिर दूसरे जगह के लिए निकल जाएंगे। मतलब नोमाड्स यानी वो उस तरह के जनजातीय लोग जो एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, एक जगह अपना घर नहीं बनाते हैं, घूमते रहते हैं सालों भर, उनको बोला जाता है नोमाड्स। तो ऊपर पीक पे जाने पे, हिल पे जाने पे इनको ढेर सारे टेंट्स मिलता है, वो टेंट्स नोमाड्स के होते हैं। ही सॉ अ तिब्बतियन मैस्टिफ स्टैंडिंग आउटसाइड द टेंट। मैस्टिफ यहाँ पे है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का कुत्ता, तिब्बतियन नस्ल है, वो कुत्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। पहले चाइनीज एम्परर्स राजा अपने राजमहल की सुरक्षा के लिए वो मैस्टिफ्स को, स्ट्रॉन्ग कुत्तों को रखते थे। मैस्टिफ एक कुत्तों की प्रजाति है जो काफ़ी ताकतवर और खूंखार होती है। तो ये नोबार्ड्स भी अपने जानवरों की रक्षा के लिए और अपने टेंट्स की रक्षा के लिए अपने टेंट्स के आसपास मैस्टिफ्स पाले रखते हैं। तो आउटसाइड द टेंट एज अ गार्ड, तो गार्ड के रूप में नोबार्ड्स ने मैस्टिफ पाल के रखा है कुत्तों को। दिज मैस्टिफ्स रेन आफ्टर हिज कार एज ही रिच्ड नियर द टेंट्स। दिज डॉग्स हैड लार्ज जॉस, और जैसे ही ये लोग टेंट्स के पास आते हैं, ये सब कुत्ते इनके गाड़ी के पीछे, कार के पीछे भौंकते हुए दौड़ पड़ते हैं। इन कुत्तों के जो जबड़े थे काफ़ी बड़े थे। एज सुन एज दे एंटर्ड द वैली दे विटनेस्ड स्नो कैप्ड माउंटेन्स विथ रिवर्स फ्लोइंग विच वर ब्लॉक्ड विथ आइस। जैसे ही कुत्तों से बच करके अब जब ये लोग वैली में घुसते हैं, तो ये पाते हैं कि जो वैली के दोनों साइड में जो माउंटेन्स हैं, उनके कैप मतलब माउंटेन्स की चोटियां बर्फ से पूरी तरह से कवर्ड हो गए हैं, ढक गई हैं,
और जो पानी, नदी का पानी है जो बहता है, नदी का पानी वो ब्लॉक हो गया था बर्फ से, तो रिवर्स का जो फ्लो था धारा वो आइस से, बर्फ से ब्लॉक हो गई थी, मतलब बर्फबारी काफ़ी हुई थी। When they were riding through the hill, the turns became sharper and roads became bumpier. जब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते गए हिल, मतलब चोटी से जैसे ये लोग बढ़ रहे थे, जो टर्न्स थे जहाँ घुमाव था वो काफ़ी शार्पर हो गया था, काफ़ी नुकीला, मतलब काफ़ी खतरनाक हो गया था, मतलब जगह वहाँ पे बहुत कम थी, जहाँ जहाँ भी मोड़ था, पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक होता है, काफ़ी टर्न्स होते हैं उसमें, तो जहाँ जहाँ भी टर्न था वहाँ जगह बहुत कम थी, थोड़ा भी मतलब पहिया इधर उधर होने से खाई में जा सकता था, और रोड्स बम्पियर हो गए थे, मतलब काफ़ी अब स्मूथ रोड नहीं रह गया था, काफ़ी उसमें पत्थर चट्टान थे तो बम्प कर रहा था। सैटर्न वाज ड्राइविंग इन थर्ड गियर, सैटर्न थर्ड गियर में गाड़ी को चला रहा था। द प्रोटैगोनिस्ट कुड फील द प्रेशर इन हिज ईयर्स, और प्रोटैगोनिस्ट मतलब हीरो, हीरो कौन है यहाँ पे, मतलब जो राइटर है कौन है, निक मिडल्टन, तो निक मिडल्टन को अपने कानों पे प्रेशर का एहसास हो रहा था। ही हेल्ड हिज नोज स्नोटेड टू क्लियर द कंजेशन, ही चेक्ड हिज रिस्ट वॉच, दे वर एट 5,210 मीटर्स एवर द सी लेवल। उन्होंने अपने वो अपने कानों पे काफ़ी प्रेशर फील कर रहे थे, नाक को पकड़ करके स्नोटिंग किया उन्होंने ताकि उनका गला साफ हो जाए, और फिर उन्होंने घड़ी से अपने चेक किया, घड़ी उनकी ऐसी थी कि टाइम के साथ साथ वो लोग कितना सी से, समुद्र तल से कितना ऊपर है वो भी बता रहा था, तो घड़ी में उन्होंने देखा तो 5,210 मीटर ऊँचे ये लोग हैं, समुद्र तल से ऊपर हैं। दे रीच देयर फर्स्ट हर्डल विच वॉज अ रोड फील्ड विथ स्नो, अब उनका जर्नी का फर्स्ट हर्डल मतलब फर्स्ट रुकावट, हर्डल मीन्स रुकावट, उनके जर्नी का फर्स्ट रुकावट आया। अब उनका जो रोड था वो जिस रोड पे वो जा रहे थे स्नो से, बर्फ से भरा पड़ा था, ढक गया था। सैटर्न थ्रू डर्ट ऑन द स्नो एंड ड्रॉव केयरफुली ऑन दैट रोड, और सैटर्न ने क्या किया कि रोड पे मिट्टी धूल बर्फ़ को हटा हटा करके, बर्फ़ के नीचे जो मिट्टी धूल थी उसको निकाल करके रोड पे पूरे रोड पे नहीं, मगर जैसे कि कार चल रही है तो एक ये तो ऐसे लाइन बना करके जिसपे मतलब पहिया गाड़ी का व्हील जिसपे चलता, अब उस व्हील के आगे आगे वो जैसे थोड़ी दूर तक से मिट्टी डाल देता था, फिर थोड़ी दूर चला के ले जाता था, फिर मिट्टी डालता था, फिर थोड़ी दूर चलाता था, क्योंकि बर्फ़ पे व्हील्स स्लिप करते हैं बहुत तेज़ी से, बर्फ़ पे कार के किसी भी गाड़ी के पहिए बहुत तेज़ी से स्लिप करते हैं, तो इसीलिए बर्फ़ के ऊपर मिट्टी डाल रहा था, मिट्टी डाल डाल के गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा था। दे रिज्यूम देयर जर्नी, द प्रोटैगोनिस्ट फेल्ट हिज हेड वॉज हर्टिंग, फिर उसके बाद अब ये लोग इतनी ऊंचाई पे चले गए थे, ज़्यादा ऊंचाई पे जाने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से क्या होता है कि बॉडी में लंग्स में ऑक्सीजन जब कम जाता है तो सर में दर्द हो जाता है, तो और आगे जाने पे अब जो निक मिडल्टन है उनके सर में दर्द होने लगा। ही टुक अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज वाटर बॉटल, वो थोड़ा सा पानी पिए अपने वाटर बॉटल से। दे वर स्टिल क्लाइंबिंग अप द हिल, और वे लोग अभी भी चढ़ाई चढ़ ही रहे थे, जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ रहे थे वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही थी, उनको सर में दर्द हो रहा था। दे रीच्ड एट 5,515 मीटर, अब वो लोग 5,515 मीटर की ऊंचाई पे आ गए, एबव सी लेवल, समुद्र तल से, किसी भी पहाड़ की ऊंचाई को समुद्र तल से ही नापा जाता है। दे स्टॉप्ड अगेन एंड दिस टाइम द फ्यूल टैंक हिस्ट व्हेन सैटर्न अनस्क्रूड द टॉप एज द पेट्रोल वॉज एक्सपेंडिंग ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर। सैटर्न टोल्ड देम नॉट टू स्मोक अराउंड इट, अब जैसे जैसे ऊंचाई पे लोग जा रहे थे अब एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से पेट्रोल एक्सपेंड हो रहा था, पेट्रोल में फैलाव हो रहा था, इसीलिए तो इसीलिए सैटर्न ने इनको निक मिडल्टन को सलाह दिया कि आप स्मोकिंग मत कीजिए क्योंकि पेट्रोल का एक्सपेंशन हो रहा है, पेट्रोल में
बढ़ रहा है उसका, तो आग लग सकता है। सून इन द आफ्टरनून अराउंड 2 o'clock दे स्टॉप्ड फॉर लंच, और जब 2 बजे आफ्टरनून में 2 बजे तो लोग लंच करने के लिए रुके। द राइटर्स हेडेक वॉज गॉन बाय नाउ, अब राइटर का जो हेडेक है, सरदर्द है, वह जा चुका था। बाय लेट आफ्टरनून दे रीच्ड अ स्मॉल टाउन कॉल्ड होर, और इस समय वो लोग 2 बजे के लगभग वो लोग एक छोटा सा टाउन था होर, वहाँ पर पहुँच गए थे। दे रीच्ड द ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन, और फिर से वो ईस्ट वेस्ट हाईवे, पूर्वी पश्चिमी हाईवे पे पहुंच गए थे। ये पूर्वी पश्चिमी हाईवे पे जिस रास्ते से जाते थे वो रास्ता इन लोगों ने नहीं पकड़ा था, इन्होंने शॉर्टकट पकड़ा था, और शॉर्टकट पकड़ के अब फिर से मेन रास्ता जो है ईस्ट वेस्ट हाईवे, उस पे ये लोग पहुंच गए। इट वाज द ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर, यही वो पुराना सिल्क रोड है जो कि लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा से कश्मीर जाता है। डेनियल गॉट ऑफ द कार एंड टू का लिफ्ट टू लहासा, अब यहाँ पे होर में डेनियल उतर जाता है इनकी कार से और एक किसी गाड़ी में लिफ्ट ले करके लहासा चला जाता है। देयर कार हैड अ फ्यू पंक्चर्स विच वरीड सेटन, उनकी कार में कुछ पंक्चर्स हो गए थे जिसकी वजह से सेटन परेशान था। ही गॉट देम फिक्स्ड एंड द राइडर वेटेड एट अ लोकल कैफे ऑफ होर व्हाइल हैविंग अ ग्लास ऑफ टी, और ये सब जब वो अपना पंचर बना रहा था तो उसने अपना पंचर वंचर सब बनवाया, तब तक से राइडर उसका सेटन का एक लोकल कैफे शॉप पे चाय पिए और उसका वेट किए। ही फाउंड होर अ मिजरेबल प्लेस, अब उन्होंने थोड़ा होर को जब देखना स्टार्ट किया तो देखा कि होर तो बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही दयनीय कंडीशन में है। आफ्टर वाइट से मतलब दयनीय कंडीशन में इसलिए है क्योंकि वहाँ काफ़ी गंदगी थी, होर में साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया गया था। था तो बहुत खूबसूरत हिमालय वैली में, मगर वहाँ पे टूरिस्टों ने इतनी गंदगी फैला रखी थी कि एकदम गंदा हो गया था। आफ्टर अ व्हाइल सेटन रीच्ड टू हिम एंड दे रिज्यूम्ड देयर जर्नी अगेन, और कुछ समय बाद सेटन इनके पास पहुँच जाता है और ये लोग फिर से अपनी जर्नी को रिज्यूम कर देते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं। एट नाइट अराउंड 10:30 PM दे स्टॉप्ड एट अ गेस्ट हाउस इन डार्चन, और लगभग 10:30 बजे के लगभग वो लोग डार्चन पहुँच जाते हैं, वहाँ के एक गेस्ट हाउस में लोग पहुँच जाते हैं टू स्पेंड द नाइट, और डार्चन में ही इनको नाइट स्पेंड करनी है। द प्रोटेगनिस्ट गॉट इल एंड सफर्ड फ्रॉम नोज कंजेशन ड्यू टू द चेंज इन एल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर, अब 10:30 बजे रात में लोग डार्चन पहुंच जाते हैं। डार्चन एक तरह से लास्ट ही प्लेस है, वहीं से फिर कोरा स्टार्ट किया जाता है, परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है कैलाश की। तो ये लोग 10:30 बजे पहुंच जाते हैं अब रात में, और रात में उसी गेस्ट हाउस में इनको रुकना है, मगर इनकी तबीयत खराब हो चुकी है, इनका कफ नाक नोज कंजेशन मतलब नाक जाम हो चुका है और ठंड इनको लग गई है, हाई अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई की वजह से और ठंड की वजह से इनका नाक जम गया है, पूरी तरह से सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही है। ही स्टेड अवेक ऑल नाइट, ये पूरी रात जगे रह गए क्योंकि इनको सांस ही नहीं लिया जा रहा था, इनकी नाक कफ की वजह से नाक पूरी जम गई थी, सांस नहीं लिया जा रहा था, इसलिए पूरी रात जगे रह गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सेटन लुक हिम टू तिब्बतन मेडिकल कॉलेज वेयर ही कंसल्टेड अ तिब्बतन डॉक्टर हु गेव हिम अ 5-day कोर्स मेडिसिन इन अ ब्राउन एनवेलप। तो सेटन जब सुबह में आता है और इनकी कंडीशन देखता है जो इनका ड्राइवर है, तो उनको एक नज़दीक के तिब्बतियन मेडिकल कॉलेज में लेके जाता है। कैलाश जो पर्वत है वो तिब्बत के क्षेत्र में आता है और तिब्बत को पे चाइना ने कैप्चर कर रखा है, तो इसलिए चूंकि चाइना का ही भाग कहा जाता है इसलिए चाइना का वीज़ा पासपोर्ट लेना पड़ता है, मगर एक्चुअली है वो तिब्बत का हिस्सा, तिब्बत में है। तो तिब्बतियन मेडिकल कॉलेज में उनको लेके जाता है जहाँ पे एक तिब्बतियन डॉक्टर उनको देखता है और ब्राउन कलर के एनवेलप में उनको मेडिसिन देता है 5 दिन के लिए। आफ्टर टेकिंग अ फुल डे ऑफ मेडिसिन द प्रोटेगोनिस्ट वॉज फीलिंग गुड, और जब पूरा 5 दिन का ये कोर्स कर लेते हैं तो फुल डे ऑफ मेडिसिन, एक दिन ही पूरा जब मेडिसिन खा लेते हैं तो अब उनको राहत महसूस होने लगता है। सेटन लेफ्ट हिम देयर आफ्टर अश्योरिंग हिज हेल्थ कंडीशन, जब एक दिन सेटन पूरा इनके साथ रहता है, जाता नहीं है इनको छोड़ करके, जब देखता है कि हाँ अभी ये ठीक कंडीशन में है तब वो उनको तब देख लेता है कि हाँ अभी ठीक है, इनकी कंडीशन ठीक है, अभी ठीक हो जाएंगे, तब वो चला जाता है। द प्रोटेगनिस्ट वॉज स्टेइंग एट डार्चन, दैट प्लेस हैड अ जनरल स्टोर वेयर चाइनीज सिगरेट सोप एंड अदर थिंग्स वर अवेलेबल। अब सेटन
अब जा चुका है, क्योंकि वो ड्राइवर है वो तो ज़्यादा दिन तक इनके पास रहेगा नहीं, एक दिन इनकी कंडीशन देख करके रुक गया, उसको तो और भी टूरिस्ट को लेना है, तो लौट जाता है। और डार्चन वो जगह है जहाँ पे इनको इनके ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थी, वहाँ पे चाइनीज कंपनी के, चूँकि वो चाइना के ही अंदर है, तो चाइनीज़ सिगरेट शॉप और दूसरी भी चीज़ें, सारी चीज़ों पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है, मतलब चाइना की बनी हुई चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं। इन द आफ्टरनून द मैन गैदर्ड एट अ सैबी टेबल टू प्ले पूल एवरी डे, वीमेन वुड वॉश देयर हेयर इन द नैरो स्ट्रीम। अब डार्चन में रह करके वो आसपास की जगह को, वहाँ की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि एक सैबी टेबल पे, गंदे टेबल पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और खेलते हैं, और नैरो स्ट्रीम, पतला सा जो झरना, एक तरह से स्ट्रीम, जल की धारा है, उसी में जो डार्चन की महिलाएं हैं, वहाँ पर जो रहने वाली महिलाएं हैं, वो अपने बालों को धोती हैं। डार्चन हैड वन प्रॉब्लम, इट हैड नो पिलग्रिम्स। और एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली चले गए थे, बहुत ही पहले, जो पिलग्रिम्स का जो टाइम होता है, जब सारे टूरिस्ट आते हैं, पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री, तो तीर्थयात्रियों के जो आने का टाइम होता है, उसे ये पहले ही चले गए थे। तो एक चीज़ देखें कि वहाँ पे पिलग्रिम्स नहीं आए थे, तीर्थयात्री अभी नहीं आए थे। अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल, इन द पीक सीजन ऑफ पिलग्रिमेज द प्लेस वुड बी फिल्ड विथ ट्रेवलर्स। बोलते हैं जो पीक सीजन होता है, एकदम मेन सीजन होता है जब पिलग्रिम्स आते हैं, उस समय पूरी जगह डार्चन एकदम से ट्रेवलर्स से भर जाती है। ही मेट अ पर्सन इन द डार्चन्स ओनली कैफे। और डार्चन में एकमात्र एक कैफ़े था जहाँ चाय और कॉफ़ी ये सब मिलती थी, वहाँ पे वो एक आदमी से मिलते हैं। हिज नेम वाज नोरबो, उसका नाम नोरबो था। ही वाज अ तिब्बतियन वर्किंग इन बीजिंग एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज। वो एक तिब्बती था, तिब्बत का रहने वाला था, जो कि बीजिंग, जो चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज में वो काम करता था, एकेडमी में ऑफ सोशल साइंस। ही केम टू डार्चन टू कम्प्लीट द कोरा, वो डार्चन में कोरा कम्प्लीट करने के लिए आया था। कोरा यानी कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जस्ट लाइक द प्रोटेगोनिस्ट, और निक मिडल्टन भी वही काम करने के लिए गए थे। ही वॉज फैट एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू वॉक, वो काफ़ी मोटा था वो तिब्बती नोरबो, और उसको लग रहा था कि मैं इतना मोटा हूँ, मैं कैसे कोरा कर पाऊँगा, क्योंकि कैलाश मान पर्वत है, कोई मंदिर नहीं है कि बस परिक्रमा करके चले आए, उसका पर्वत का परिक्रमा करने में कई किलोमीटर, लगभग आई थिंक 25-30 किलोमीटर का वो परिक्रमा होता है कैलाश का। तो उसको लग रहा था कि मैं इतना मोटा हूँ तो कैसे वॉक कर पाऊँगा, कैसे मैं इतना कैलाश पर्वत का परिक्रमा कर पाऊँगा, 2-3 दिन लगता है परिक्रमा करने में। द राइडर डिसाइडेड टू गो ऑन द पिलग्रिम्स विथ हिम, मगर राइडर डिसाइड करता है कि अब कोरा वो नोरबो के साथ करेगा। दे हायर्ड याक्स टू कैरी देयर लगेज, उन्होंने याक जो वो जंगली भैंसे होते हैं, उनको उन्होंने हायर कर दिया कि वो उनका लगेज ढोएंगे। नोरबो फाइनली सेड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, विच ही कोलैप्स्ड अक्रॉस द टेबल एंड लाफ्ड हिलेरियसली, हिज टमी वॉज ऑल्सो टू बिग। बोल रहा है कि मेरे से पॉसिबल नहीं है, मैं आ गया हूँ भले ही कोरा करने के लिए, मगर मैं इतना किलोमीटर पैदल चल के मैं नहीं कोरा कर पाऊँगा, और कह करके हंसने लगता है। तो एक्चुअली वहाँ जो लोग पैदल कोरा कर सकते हैं वही करते हैं, अदरवाइज जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग याक हायर कर लेते हैं, और याक पे बैठ के आराम से कोरा कर लेते हैं, कैलाश की परिक्रमा कर लेते हैं। मैक्सिमम जो तिब्बती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हैं, वही लोग वहाँ पे वॉक कर पाते हैं, क्योंकि वो जो जगह है, कैलाश पर्वत है, काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे है, समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से नॉर्मल स्वस्थ आदमी के लिए भी जो चलना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग याक हायर करते हैं और याक पे ही कोरा करते हैं। ओके, नाउ इट्स क्लियर।